नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। सेंट्रल बैंक स्टाफ एसोसिएशन दो दिवसीय प्रदर्शन कर हड़ताल पर जाने की बात कही। सेंट्रल बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने अपनी मांगों को लेकर दो दिवसीय प्रदर्शन किया, जिसमें सेंट्रल बैंक के बाहर उपस्थित बैंक के कर्मियों सहित एसोसिएशन के क्षेत्रीय मंत्री गोपाल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के मंत्री गोपाल सिंह ने बताया कि गलत तरीके से 4000 क्लर्कों का स्थानांतरण किया गया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट से समझौता करने के बाद आश्वासन बार बार क्यों दिया गया। उन्होंने मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मैनेजमेंट तानाशाही कर रहा है, जिसे लेकर बैंक के कर्मचारी दो दिवसीय हड़ताल पर है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। उपस्थित हुए हैं आप, तो यह हड़ताल क्यों है? इसलिए कि मैनेजमेंट का तानाशाही है। मैनेजमेंट सुन नहीं रही हम लोग की। यूनियन कई बार प्रयास की है कि हम लोग का समझौता हो जाए, बढ़ता हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट नहीं तैयार हो रही है। इसलिए तानाशाही को हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे विरोध कर रहे हैं? प्रदर्शन करके ये दो दिन के बाद, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आज हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग का अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे, सारी यूनियन सपोर्ट करेगी। तो क्या है आप लोग की मांग? मांग है कि जो अवैध तरीके से ट्रांसफर हुआ है उसको सेटल किया जाए। ठीक, यदि नहीं होता है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाएंगे।